तुम्हारी पत्नी तो भारिया है और ना वो दुखी है ना ही पीड़ा में है। अंततः ऐसा कौन है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी भारिया से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है? क्या तुम जिससे प्रेम करते हो वो भारिया नहीं है? ऐसा नहीं है राजकुमार, उसके लिए एक विशेष स्थान है इस मन में, किंतु मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती है, अर्थात इस संसार में उससे अधिक प्रेम मुझसे कोई नहीं करता। प्रेम और विवाह आवश्यक नहीं है, सदैव साथ आए क्यों? तुम क्या कहना चाह रहे हो वेंकटेश, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किंतु तुम्हारी बातें अवश्य ही मनोरंजक है। मैंने आज तक किसी से ऐसी बातें नहीं सुनी, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तुम्हारा जब तक मन है तुम इस कक्ष में रह सकते हो। धन्यवाद। क्या समझा चाहिए, किस घड़ी में कह दिया था मैंने कि श्रीनिवास तुम्हारी सहायता। मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ ये महादेव, और करो श्रीनिवास की सहायता। भूख तो आप प्रतिदिन जब लड़की बनकर तैयार होना पड़ेगा तब। एक क्षण देख लेना चाहिए कि वासु गया है या नहीं, क्योंकि यदि वो यहीं हुआ और उसने मुझे इस रूप में देख लिया तब तो सारी योजना ही चौपट हो जाएगी। नो, स्वयं श्रीनिवास पधारे हैं, बस यही तो शेष रह गया था। पहले मेरे हाथों में स्त्री के वस्त्र थमाकर मुझे भार्या बना दिया, उसके पश्चात मेरी नाक तोड़कर मुझे सूर्पनखा बनाना चाहते हो ना तुम? क्यों इतना क्रोधित हो रहे हो गोविंदराज, क्या गलत किया है मैंने? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वो सेवकों वाला कक्ष क्यों चुना? पहले क्या कम समस्याएं हैं हम पर? इतने भारी दिन के पश्चात क्या इस कोमल क्रिया पर सो भी नहीं सकता मैं? हाँ भार्गवी तो है ना, दुखी है, वो भी तो नहीं सो पाई होगी ना गोविंदराज। पर भार्गवी के साथ तो उमा है, आई है। तुम चिंता मत करो श्री, वो उनके साथ अपना दुख बांट लेगी। मैं भार्गवी को जानता हूँ, वो अपना दुख नहीं बांटेगी। उसके दुख का कारण केवल ये नहीं है कि वो अब श्रीनिवास पर विश्वास नहीं कर पा रही है, उसका विश्वास टूट चुका है। बस ये दुख का कारण नहीं है कि उसका प्रेम से विश्वास उठ चुका है, ये भी कारण है गोविंदराज कि अब उसका अब स्वयं के विश्वास पर ही विश्वास नहीं रहा है। और जो स्वयं पर ही विश्वास न कर पाए, जो स्वयं से ही प्रेम न कर पाए, वो किसी और पर क्या विश्वास कर पाएगा? तो अब तुम क्या करना चाह रहे हो? भले ही भार्गवी अब श्रीनिवास से घृणा करें, वेंकटेश से प्रेम ना करें, स्वयं से प्रेम कर ले, बस यही चाहता हूं मैं गोविंदराज। जब व्यक्ति स्वयं पर ही प्रेम नहीं कर पाता तो दूसरों को कैसे प्रेम दे पाएगा गोविंदराज? जब वो स्वयं पर विश्वास करेगी, स्वयं से प्रेम करेगी, तभी वो मुझ पर विश्वास कर पाएगी, तभी वो श्रीनिवास से प्रेम कर पाएगी। और मुझे लगता है इस सारी प्रक्रिया में कदाचित वो कृष्ण से भी प्रेम कर बैठे। इन सब में श्री कृष्ण से वो कैसे प्रेम कर पाई? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस संसार में यदि ऐसा कोई है जो सबसे अधिक स्वयं से प्रेम कर पाया है, जो कि कार्य अत्यंत कठिन है, तो वो है कृष्ण।
किंतु कृष्ण स्वयं से अत्यधिक प्रेम करते हैं और इसीलिए संसार भर को प्रेम से भर देते हैं। निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेदभाव के वो सबसे प्रेम करते हैं। जैसे राधा से उन्होंने प्रेम किया, जबकि राधा से तो उनका विवाह हुआ भी नहीं था। यही मेरा तात्पर्य है। क्या हमारी भार्गवी के साथ भी ऐसा हो सकता है? ऐसा अवश्य होगा गोविंदराज। अब आप आगे देखिए, जो प्रेम है उसे प्रेम ही मिलना चाहिए। महादेव, वेंकटेश ने ऐसा क्यों कहा कि जब भार्गवी स्वयं से प्रेम करेगी तभी वो श्रीनिवास और कृष्ण से प्रेम करने में सक्षम होगी? प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसे भी प्रेम होता है उसके मन में एक विश्वास जागृत होता है, जिससे वो व्यक्ति असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा पाता है। वहीं दूसरी ओर बिना इस विश्वास के व्यक्ति जीने की आशा ही खो बैठता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार मैं भी अपने प्रेम को खो चुका तुम्हारे सती रूप में, जब तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने उस महायज्ञ का आयोजन किया और मुझे निमंत्रित नहीं किया तो तुम्हें लगा कि मेरा अपमान हुआ है। तुमने इसे अपनी व्यक्तिगत पराजय माना। तुम्हें लगा कि तुम्हारे पति का अपमान तुम्हारे कारण हुआ और तुम उस अपमान को रोक नहीं पाए। उसी के फलस्वरूप तुमने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को आहुत कर दिया। फिर तुम्हारा पुनः जन्म हुआ पार्वती के रूप में और अपने इस जन्म में तुमने सर्वप्रथम स्वयं से प्रेम करना सीखा और उसी प्रेम ने तुम्हें वो शक्ति प्रदान की कि तुमने कठिन तपस्या की जिससे तुम्हें मैं मिला और फिर हमारा विवाह हुआ। श्रीनिवास भी भार्गवी को उसी प्रेम की शक्ति का बोध कराने वाले हैं। ये तो मैं समझ गई महादेव, किंतु श्रीनिवास ये कार्य कैसे करेंगे? इस समय मैं केवल इतना बता सकता हूं कि कल प्रातःकाल श्रीनिवास कुछ अत्यंत मनमोहक करने वाले। मैं पहले स्नान कराती हूँ, उसके पश्चात तुम स्नान कर लेना। भार्गवी ताई, आप ठीक तो हैं? पता नहीं उमा, प्रतीत हो रहा है कि पैर में कांटा चुभ गया है, अत्यंत पीड़ा हो रही है। ताई नहीं हो पा रहा है। और मैं प्रयास कर दियो। अंदर जाकर काटा निकालना कठिन है भार्गवी ताई, आप किनारे तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। नहीं उमा, मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, मैं किनारे तक नहीं चल पाऊंगी। क्या मैं कोई सहायता कर सकता हूँ भार्गवी? नहीं नहीं, सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए यहाँ से। अरे आपको सहायता की आवश्यकता है म्हणून मी मना लो। अब उमा काय झाले? इनके पैर में कांटा चुभा है और मैं निकाल नहीं पा रही। तो मैं कर देता हूँ ना। दृष्टि उस और करके खड़े रहिए।
देखिए, एक पर पुरुष एक स्त्री को ऐसी अवस्था में ना ही देख सकता है और ना ही छू सकता है। आप जाइए यहाँ से। मेरा तात्पर्य है कि कल ही तो हमारी भेंट हुई है, आप तो मुझे जानते हो। हंडी फोड़ते हुए जब मैं नीचे गिरा था तब आप ही तो आए थे मुझे देखने के लिए, बरोबर ना भार्गवी? आप देख रहे थे कि मैं ठीक हूँ या नहीं, बरोबर है कि नहीं? अब ऐसा कार्य कोई किसी पर पुरुष के लिए करता है भला? आपका विवाह हो चुका है तो आप मेरे लिए पर पुरुष ही हुए ना। देखिए मेरी विनती है, आप जाइए यहाँ से।